नेक्स्ट कॉलर ले लेते हैं, सिंपल ठीक है जी, अपना तारुफ करा दीजिए। सिंपल ठीक है, हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। आप कौन सा, जी क्या आपका अकीदा है, आइडियोलॉजी है? ह्यूमनिज्म सर, मैं ह्यूमन इमिशन पे बिलीव करता हूँ। पर। पहले आप कुछ और थे? पैदा नहीं सर, ही आप एक ह्यूमनिस्ट हुए, यानी स्टूडेंट हूँ सर। यानी पैदा होते ही एकदम पहले दिन से ह्यूमनिस्ट, या कुछ और किसी मजहब में बिलीव रखते थे? अरे नहीं सर, एक स्टूडेंट हूँ और ह्यूमनिज्म पे बिलीव करता हूँ, ओनली इंसान। मैं आप पूछ रहा हूँ, उससे पहले आप कुछ थे ह्यूमनिज्म से पहले, या बस पैदा होते ही पहले दिन आपने कहा पैदा होते ही कि आज से मैं ह्यूमनिस्ट हूँ? नहीं आप हिंदू थे, मुसलमान थे, क्रिश्चियन थे, मैं वो जानना चाह रहा हूँ, पहले क्या थे आप? सर, वो अलग भैंस हुई। नहीं होगी, नहीं इसी पर हम ह्यूमनिज्म पर ही बात करेंगे, मैं सिर्फ पास जानना चाह रहा था, नहीं होगी अलग बहस, कोई बात नहीं। अगर ह्यूमनिस्ट हैं तो फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी आप इस राज को डिस्क्लोज कर ही दें, फॉर हाँ, मैं द सेक। तभी डिटेल में जाने रखता हूँ सर, जी मेरा सवाल था। हाँ, क्या मैं सवाल रख सकता हूँ? पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी दे दीजिए। अब इतना बड़ा, इतनी बड़ी आपको मैंने कसम दे दी, जितने ह्यूमनिस्ट हैं इसके इसके ऊपर तो कोई कसम ही नहीं ना उनके लिए। ये सब चीज है, आप अगर हमें अल्लाह की कसम कहकर देकर कोई बात कहेंगे हम मजबूर हो जाएंगे भाई, इतनी बड़ी कसम दे दी, हम आपको ह्यूमनिज्म की ह्यूमैनिटी की कसम दे रहे हैं। अब बताइए आप इसकी तो इसका तो इज्जत करें, अगर आप इसकी इज्जत नहीं करेंगे फिर आप ट्रू ह्यूमनिस्ट नहीं है आपके जी। कहने से क्या फर्क पड़ेगा है सर? आपके ना मानने से क्वेश्चन अच्छा, सिंपल भाई, तो रहेगा आपका नाम क्या है? जी। आपका नाम क्या है? अच्छा, सुनील चौधरी। सुनील भाई, चले ठीक है, अब अब आगे आप बढ़े। ये बताएं, अब आपकी बैकग्राउंड में पता लग गई है, वो तो आपने जवाब दे ही दिया, देने ना ना देने पे भी आपने दे दिया, ठीक है। आपका सवाल क्या है? हेलो जी अब सवाल आपका कीजिए, आप सवाल सवाल क्या है कीजिए। सर? मेरा सवाल ये था सर, एक नॉन मुस्लिम और मुस्लिम, नॉन मुस्लिम को क्यों दो टेस्ट पार करने पड़ते हैं सर? एक मुस्लिम को एक टेस्ट क्यों पार करना पड़ता है, नॉन मुस्लिम को क्यों दो टेस्ट पार करना पड़ता है? जिस तरह, एक टेस्ट कौन है और दो टेस्ट कौन है? हाँ सर, एग्जाम्पल के तौर पर, हाँ मैं ये यही पूछना चाहता हूँ कि एक नॉन मुस्लिम जो इंसान पैदा होता है उसको वो जब देखता है कि क्रिएटर कौन है, वो क्रिएटर पहचानने में उसको 10 या 20 साल लग जाते हैं, फिर वो जब हकीकत पे पहुंचता है फिर वो क्रिएटर की बात मानने में वो जिंदगी गुजर जाती है। ये सेकेंड टेस्ट, क्रिएटर की बात मान, तो वाई नॉन मुस्लिम को दो टेस्ट पार करने पड़ते? ठीक है सुनील भाई, अगर मैं आपका जवाब दे दूं तो आप फिर इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं? हाँ, मेरे दो या तीन ही सवाल थे, अगर और वो आगे के दो सवाल क्लियर हो गए तो आई थिंक सो। बिल्कुल, मतलब फिर एज अ ह्यूमनिस्ट सच को तो आप एहतराम करते हैं, सच का ना, तो आप सच अगर कह रहे हैं तो बिल्कुल मैं आपके जवाब देता हूँ। अगर सिर्फ बहस करने के लिए आए तो फिर फजूल टाइम नहीं जाया करेगा। तो अब सवाल का हाँ, जवाब सच ये है, जानना पहली था। हाँ, बात सच जानना है। हाँ, सच जानना है, और अगर एडॉप्ट करूंगा तो बहुत अच्छा, आई थिंक सो। अगर दिल चाहा एडॉप्टेशन ज्यादा मूव हो गई आपके इस पे, तो आई थिंक सो आई विल एक्सेप्ट, देखें, अगर मेरा दिल चाहे तो ये नहीं या है कि फिर मैं मेरे वालों वजह का से फ्यूचर चाहे दूसरे या लोगों नहीं। को भी मिल सकता है। हाँ, आई थिंक मेरा कोई डाउट रहे, दूसरे लोगों का क्लियर हो गए तो वो एक्सेप्ट कर नहीं लेंगे, नहीं ये सुनील भी भाई, माइंड रखता मैं हूँ। आपसे बात कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर आप हक परस्त हैं तो फिर जब मैं आपके सवाल का जवाब अगर दूं तो फिर मैं चाहता हूँ आप हक परस्ती से इस्लाम को फिर कबूल करें। पहली बात ये कि दो इम्तिहान नहीं है, असल में एक ही इम्तिहान है। पहला इम्तिहान जो है, जो इंसान, हर एक इंसान को होता है, चाहे किसी मुसलमान घराने में पैदा हो या किसी काफिर घराने में पैदा हो, वो ये है कि अल्लाह को पहचाने। जब इंसान अल्लाह को पहचानता है तो फिर खामखा अल्लाह की इबादत होती है, समझ आई? जब अल्लाह को कोई पहचाने कि हमारा मालिक है, खालिक है, तो फिर उसकी इताअत उसके साथ ऑटोमेटिकली आती है, दो इम्तिहान नहीं है। और अगर एक बंदा मुसलमान घर में पैदा हो तो जरूरी नहीं है कि वो मुसलमान होगा। जैसे नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था, मुसलमान नहीं था, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, इस तरह वाले एग्जाम्पल्स हम आपको दे सकते हैं कुरान से। और आपने देखा भी होगा कई लोग होते हैं जो मुसलमान घर में पैदा भी हुए हो, वो अल्लाह को असल में मानते नहीं है, रिवाजी मुसलमान होते हैं। और जो गैर मुस्लिम घर में पैदा हो तो जरूरी नहीं है कि वो गैर मुस्लिम होगा।
जैसे आप गैर मुस्लिम घर में पैदा हुए हैं लेकिन इंशाल्लाह आज आप मुसलमान हो जाएंगे। इस तरह कल भी हमारे साथ दो लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हुए थे। इससे पहले लोग कई, ऐसे आप वीडियो देख सकते हैं, वन मैसेज फाउंडेशन चैनल पे आप देखें, हमारा उर्दू भी चैनल है, कई लोग जो ऐसे हैं जो बिल्कुल क्रिश्चियन, जूश, एथियस्ट, हिंदू, सिख घरों से आते हैं, वो मुसलमान होते हैं और बहुत अच्छे मुसलमान होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दावत देते हैं, मसला इलम की तरफ जाते हैं, कुरान हिफ्ज करते हैं, उनकी वीडियोज आप देख सकते हैं। तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि एक के लिए दो इम्तिहान, एक के लिए नहीं, इम्तिहान एक ही है सारी इंसानियत के लिए। अल्लाह सुब्हान तआला कुरान में हमें कहते हैं, मा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने जिन और इंसान को इसलिए नहीं बनाया सिर्फ सिवाय इबादत के लिए। तो इबादत ये आरफून, पहले अल्लाह को पहचानना है, जब पहचानेंगे तो इबादत करेंगे, क्योंकि अल्लाह खालिक है, इबादत के का हक है कि सिर्फ उसकी इबादत हो। तो ये एक ही इम्तिहान है। सवाल आपका हो गया? एक चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा शेख उस्मान साहब, एक हदीस में, और सही हदीस है, बिल्कुल सिंपल साहब आपके लिए है वो हदीस, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स जो अपनी पुरानी आइडियोलॉजी को, जैसे अगर वो किताबी है यानी क्रिश्चियन है, जू है, उसको छोड़कर अगर वो इस्लाम कबूल करता है तो दरअसल उसके लिए डबल रिवॉर्ड है। तो एक आदमी जो मुस्लिम फैमिली के अंदर बॉर्न हुआ और वो कंटिन्यूअसली मुसलमान रहा और उसी तरीके से मर गया, उसके लिए तो सिंगल रिवॉर्ड है। लेकिन एक आदमी ने अपने पुरानी आइडियोलॉजी को छोड़कर नया, उसने जो मजहब इख्तियार किया है उसको सच जानकर, उसके लिए डबल रिवॉर्ड है। तो आप यहाँ गैर मुस्लिम के लिए डबल एग्जाम की बात कर रहे हैं, वहां गैर मुस्लिम को जो इस्लाम कबूल कर रहा है उसको डबल रिवॉर्ड मिल रहा है, एग्जाम एक ही है, टेस्ट एक ही है। सर सर मेरा यही असल क्वेश्चन यही था कि सर क्रिएटर को पहचानने में अगर 20-30 साल चल जाएंगे तो सर फिर वो पहला टेस्ट मेरा क्रिएटर पहचानने में चल जाएंगे ना आधी जिंदगी, फिर सेकंड टेस्ट मुझे फिर उस पर अमल करने में 10 साल ऐसे। तो ये सर हजरत एक्चुअल सवाल फिर ये देखें, क्या रहेगा? आपने आपने जवाब सही तरह सुना नहीं, मैंने और मुफ्ती साहब ने एक ही जवाब दिया है कि देखें टेस्ट एक ही है। एक बंदा अगर मुसलमान घराने भी पैदा हो तो जब वो समझे कि अल्लाह कौन है, अल्लाह की सिफात, अल्लाह मेरा रब सुबहाना हुआ ताला, तो उसमें तो बचपन में 2 साल का बच्चा तो नहीं करता ना, तो वो भी नहीं उसके सर, समझने में एक वक्त सेकंड एक लगता है। सेकंड एक सेकंड ही मैं आपको कट कर रहा हूँ सर। सर उसके पास पहले से ही वो किताब है, वो फैमिली पहले से ही उसके पास, सिर्फ उसको वो फॉलो करके वो पहला टेस्ट आगे बढ़ाना है सर। उससे पहले सर वो अब आप पहला ये टेस्ट बताएं, नॉन मुस्लिम के लिए तो सेकंड टेस्ट होगा ना सर, वो वहां तक पहुंचना आपका सवाल सर हो वो गया। घर। हाँ सर, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर वो कोई कोई एक घर है, अगर वो बॉर्डर पे है, वो घर तक पहले पहुंचना है ना, तो जब मैं फिर घर का वो फैसला करूंगा क्या है नहीं क्या नहीं, वो घर तक ही वो पहुंच रहा नहीं अपने, तो फिर वो आगे का बॉर्डर वो पार कैसे करेंगे सेकंड? अच्छा, आपसे मैं ये सवाल पूछता हूँ, अगर एक बंदा है वो 99 साल का हो और वो इस्लाम को कबूल करे, और जिस दिन वो इस्लाम को कबूल करे उसी दिन वफात हो जाए, उसका टेस्ट पास हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर, अगर वो अगर उसके मुताबिक है तो। जिस दिन उसने हक को पहचाना, उसने आगे कोई इबादत ही नहीं की, लेकिन उसी दिन उसको मौत आ गई, तो फिर भी वो पास हो गया। तो टेस्ट तो एक ही है ना, सर उसके पास टाइम बात तो कम समझ था आए? ना, ठीक वो तो हाँ तो टाइम कम है, था ना, वो अलग लेकिन बात हो गई ना। टेस्ट तो पास कर दिया ना उसने। अब एक बच्चा है वो बालिग नहीं है, बुलूग से छोटा है, मतलब वो छोटा बच्चा है, 12 साल, जब भी बुलूग किसी पे आए, तो उससे छोटा बच्चा अगर मर जाए तो वो जन्नत में जाता है जैसे हमारे इस्लामी अकीदा में है, क्योंकि उसको वो इम्तिहान के लिए तैयार नहीं था, बच्चा था, समझता नहीं था। तो अल्लाह ऐसा इम्तिहान किसी पे नहीं डालता जो उसके ऊपर मतलब जायज ना हो, कोई हक ना हो, तो वो भी कोई मसला नहीं है। जब इंसान बुलूग तक पहुंच जाए, जैसे आपने कहा 10-20 साल उसे लगे, वो हक को पहचान ले, फिर चाहे जितने भी जल्दी या जितने साल हों या ना, उस पे मौत आ जाए तो वो तो कामयाब हो गया। तो एक ही इम्तिहान है। मुसलमान भी जो है, जो मुसलमान घर में पैदा हुआ है, अगर वो दिल में इस्लाम को ना माने तो बात शक्ल से तो नहीं बात होती ना, ईमान तो दिल से शुरू होती है, फिर जबान पे, फिर अमाल में। तो ये बात, इम्तिहान एक ही है। और जैसे मुफ्ती साहब ने कहा है कि जो अगर गैर मुस्लिम घराने से किताबी हो तो वो इस्लाम पे जब आए तो उसको तो अजर भी ज्यादा मिलता है। हम ये भी कहते हैं जो इंसान मुसलमान होता है, कलमा पढ़ता है, तो उसके पुराने गुनाह सारे माफ हो जाते हैं, हसनात बन जाते हैं, तो अजर भी ज्यादा है। तो अब ये चीजें तो वाजह हो गई। आपके पास कोई और सवाल है? मैं इसमें अगर एक बिल्कुल चीज़ मैं ऐड कर सकूं सिंपल भाई, मुझे एक लम्हा दीजिएगा। देखिए, इस्लाम में जो मयार है, जो वो तय कर दिया गया है, वो
रज़ाए इलाही है कि हम कोई भी काम करते हैं उसके पीछे ऑप्टिमम टेस्ट यह है कि वो क्या अल्लाह की रज़ा के लिए किया गया या कि किसी और के लिए। यानी हम मुसलमानों में हमारे लिए जो सबसे बड़ी इबादत है वो नमाज की है, लेकिन नमाज में भी अगर आप, और नमाज में भी जो आला तरीन जो अमाल में से एक अमल है वो सजदा है। अब मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, सजदे की हालत में हूँ, और मैं देखूँ कि मुफ्ती यासर साहब और शेख उस्मान आ रहे हैं और मैं उनके कदमों की आवाज़ सुनूँ और अपने सजदे को थोड़ा सा लंबा कर दूँ सिर्फ इसलिए कि ये देख लें कि मैं सजदा कर रहा था, तो मुझे उस सजदे का भी कोई अजर नहीं है। रज़ाए इलाही बात है, आप मुसलमान हैं गैर मुस्लिम हैं वो एक और चीज़ है, कि हम मुसलमान हो के भी अगर कोई काम इसलिए करते हैं कि हाँ उसमें ज़ाती हमें शोहरत मिल जाए, कोई हमारे शाबाशी मिल जाए, वाहवाही हो जाए, तो उसका भी कोई अजर नहीं है, इसलिए कि हम रज़ाए इलाही के पैरामीटर से हट जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो टेस्ट जो शेख जो कह रहे थे कि टेस्ट सबका एक ही है कि आप रज़ाए इलाही के लिए क्या आप अल्लाह पे ईमान लेके आते हैं, उसके बाद आप जितने भी काम करते हैं आप दाखिल उसमें दाखिला होने के बाद सबका सब आपके लिए अजर है। ज़ाती तौर पर आपको तो पता है हक क्या है, नहीं पता यहाँ पे शेख हैं मुफ्ती हैं चले मुझे बीच में से निकाल दें, अपने सवाल करें, आप तक हक पहुंच जाए और आप फिर हक के रास्ते को छोड़ दें तो आपका सवाल इनवैलिड हो जाता है कि टेस्ट एक है या दो है, इसलिए कि आपके पास हक वाजे हो चुका है करना है। दैट इज द क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योरसेल्फ। काइंडली अपना सवाल कैरी ऑन कीजिएगा। गुड पॉइंट जी हाँ सिंपल साहब, आपको आपके सवाल का जवाब मिला या नहीं मिला? पहले सवाल का टेस्ट एक है, वो आप समझ रहे हैं कि दो टेस्ट है लेकिन असल में एक टेस्ट है। काफी हद तक पर सर, जैसे कि जो मुसलमान भी बोलते हैं कि हमें टेस्ट पार करना है उसके अहकाम पे ऊपर कुरान या हदीस, कुरान और हदीस पे चलना है, तो उसके हिसाब से सर वो हमारे लिए सेकंड टेस्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई क्लियर, अगर कुछ थोड़ा बहुत मेरा कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर करेंगे तो वो हजरत। अब ये तो मैंने कई दफा क्लियर कर दिया है ना, हमने भी, मैंने भी किया है, उन्होंने भी किया है, इन्होंने भी किया है। तो अभी तो बात देखें, मुसलमान जो है ना जब अल्लाह को पहचाने तो ये जो अल्लाह की इबादत है ये तो फिर खामखा उसके साथ आती है ना, तो उसके बाद ये हो गया। अगर आप अल्लाह को पहचान लें और अल्लाह की इबादत मुखलिसन शुरू करें तो फिर आगे टेस्ट नहीं है, क्योंकि यही टेस्ट था, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, उसको ये जब असलमा, मुसलमान कैसे कहते हैं असलमा, जो अपने आप को सपोर्ट कर दे अल्लाह के लिए, जो अल्लाह ने कहा मैं करूँगा, उसके आगे इम्तिहान के मसला नहीं है। उस वक्त अगर उस वक्त भी आपको मौत आ जाए या साल 100 साल आप रहें तो इम्तिहान तो पास हुए, मुसलमान तो हुए ना, लेकिन उसके आगे इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना ही कोई सेकेंड टेस्ट नहीं है। ठीक है, अब ये मसला तो हो गया है, इस पर अब अगर और हम घूमते रहे तो उसमें कोई फायदा नहीं है। आपने कहा आपके दो और सवाल थे, आप करें जी। जी काफी अब तक आपकी बात समझ में आई सर, आई होप। गुड सर, मेरा सेकंड ये सवाल था सर, जैसे कि सर रिलीजन जो है, जितने भी वर्ल्ड में रिलीजन है, कौन सा रिलीजन सर विदाउट स्टैचू है सर? एक सिंपल सर। विदाउट स्टैचू? हाँ सर। इस्लाम? ओनली वन और अदर? ओनली वन। सर आप गूगल पे क्या रेफरेंस दे सकते हो? गूगल पे रेफरेंस नहीं है, हम गूगल की रेफरेंस नहीं देते, हम हकीकत की रेफरेंस देते हैं। जरा गूगल पे सर, एनी रेफरेंस जी सर, एक सेकंड। वो तो रिलीजन आए आप खुद मेरे लिए रेफरेंस हैं, फिक्र मत करें। ठीक है, आप मुझे बताएं, आप कभी हिंदू मंदिर गए हैं? दूर दूर से। दूर दूर से? तो दूर दूर से आपने बुत वगैरह तो देखे होंगे वहां। हाँ सर, पर मुझे वो आइडियोलॉजी जो पसंद नहीं आती है, जिस वजह से, क्योंकि आई थिंक क्रिएटर। हाँ, आपका आपका सवाल ये था कि कोई दीन जिसमें बुत वगैरह ना हो, स्टैचू ना, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हिंदू मंदिर जब दूर से आपने देखा तो उसमें बुत थे या नहीं थे? थे। ठीक है, आपने कभी क्रिश्चियन चर्चें देखी हैं? जी। उसमें क्रॉस लटका होता है और उसमें एक बंदा ऐसे खड़ा हुआ होता है, वो कहते हैं कि ये ईसा इब्ने मरियम है, जब वो नहीं है, तो वो आपने देखा होगा बुत? हाँ। ठीक है, आपने जुडियज्म में रबाइज के स्टैचूज वगैरह देखे हैं? यहूदी? जी बिल्कुल। जी नहीं, हाँ बिल्कुल, अगर आपने, वो दीवार पे, आई थिंक सो वो दीवार पे है, वो दीवार पे, मैंने जो देखा वीडियो, वो दीवार पे इबादत करते, एक दीवार के सामने, जैसे कि। हाँ बिल्कुल, देखें अगर आप गूगल पे जो आपकी आपकी रेफरेंस है उस पे जाके आप रबा स्टैचूज वगैरह देखें तो उसमें भी आपको मिल जाएंगे। अब आप सिख
अगर गुरुद्वारा जाएं तो उसमें भी आपको तस्वीरें और स्टैचूज और वगैरह मिल जाएंगी। सिर्फ आप पूरी दुनिया में बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट कभी आपने वो बड़ा मोटा सा जो बंदा उन्होंने बनाते हैं बुद्धा तो पता था पता नहीं कौन है, लेकिन खैर जो मोटा सा बंदा बनाते हैं बुद्धिस्ट वो भी आपने देखा होगा। सर रिपीट कीजिए। है नहीं देखा बुद्धिज्म में कभी बुद्धिस्ट टेम्पल आपने देखा है दूर दूर से? हाँ सर देखा है ना। हाँ तो उसमें वो जो बुद्धा बनाया हुआ होता है वो ऐसे जो बैठा हुआ होता है वो आपने देखा है? हाँ सर। अच्छा मॉक्स अब आप ये बताएं आपने कभी मस्जिद में बुद्ध देखा है दूर दूर से? नहीं सर खामोशी क्यों होगी? पर हाँ तो आप मेरे रेफरेंस हो गए हकीकी मुशाहिदा से कि इस्लाम एक वाहिद दीन है जिसमें कोई बहुत कोई ऐसे तस्वीरों परस्ती कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह की इबादत है जो हम कहते हैं लई से कमितली ही शई, ऐसी कोई हम उसकी जरा मिसाल भी नहीं देखते कि अल्लाह इस तरह है या इनकी तरह है। नहीं, जो अल्लाह ने अपनी सिफात बयान की है वो हम कुरान में मानते हैं जैसे अल्लाह ने बयान किया है बिल्कुल, और हम किसी मखलूक के साथ तशबीह उन्हें नहीं देते। ठीक है सर समझ गए बात? सर। हाँ पर तो मेरा आपका कुछ तीसरा सर। तीसरा हाँ सवाल सर आपका सवाल तो तीसरा हाँ और सवाल से पहले मैं एक लास्ट थोड़ा एक सवाल है डेफिनेशन। सिंपल सिंपल हाँ साहब, सर आप जो अपना आपका सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चन है वो आखिरी रख दीजिए, उसके बाद हम यस दूसरे सर कॉर्नर भी लेंगे और उम्मीद करेंगे कि ओके आपका जब मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन का आंसर हो जाए तो आप इंशाल्लाह आज इस्लाम में दाखिल होंगे। सर। सर सवाल हाँ सवाल से पहले मेरा एक सर को छोटा सा एक डेफिनेशन था सर कि किस तरह मेरे नजर में आया कि एक क्रिएटर है पर एक इतना स्ट्रॉन्ग क्रिएटर हम कैसे हाथ से बना सकते हैं, तो उसकी वजह से मैं क्यों दूर हुआ या फिर क्यों वजह मैं ये इसलिए बिल्कुल कहना चाहता हूँ। हाँ सही कि बात है। क्रिएटर हम भी एक कहते हैं अल्लाह अल्लाह को भी हम स्टैचू नहीं बनाते। जी हाँ सर तब तो मेरे से एक अब डाउट अपना सेशन था सवाल सर। कर लें क्विकली क्विकली सवाल कर लें। था सर मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ सर। सर वाई इस्लाम का कॉन्सेप्ट हार्ड या इजी क्यों है सर? हार्डेस्ट लेवल पे क्यों जाता है या कभी कभार इजी लेवल पे? चाहे अगर मैं मान लूं खुदा एक है पर लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो फिर देन देखिए कॉन्सेप्ट गॉड इस्लाम का का क्लियर है। कॉन्सेप्ट बहुत हाँ बिल्कुल सर इस्लाम का कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बहुत अगर एक गॉड का क्लियर सादा, हो। ठीक है, बहुत इस्लाम का जो हम कहते हैं कि अल्लाह कौन है ये एक बहुत आसान सादी बात है जो एक जाहिल ना पढ़ मतलब जो बिल्कुल बदू हो ना वो भी समझ सके। ठीक है तो इसमें कोई मसला नहीं है, अल्लाह एक है, अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई है, अल्लाह ने हमें बनाया, अल्लाह ने हमें मकसद दिया है कि अल्लाह की इबादत करें, बस आसान बात है। अच्छा तो सिंपल साहब आप कलमा पढ़ने के लिए अभी तैयार हैं क्या कहेंगे? हाँ बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपके पीछे जो लाइब्रेरी है सर ये इतना इतने बुक्स क्यों है सर इस्लाम वाय? बिल्कुल एक ठीक सिंपल जैसा है मेरा नाम ही सिंपल, मैंने सिंपल टी के क्यों रखा? मेरा बिल्कुल सिंपल एक सिंपल सा सवाल है क्योंकि बिल्कुल एक कॉमन इंसान को भी सवाल पूछने आना, एक कॉमन इंसान भी हक पे पहुंचे, मेरा ये बिल्कुल कहना सही था। बात है सिंपल पर ये भाई। देखिए बुक्स हाँ सिंपल हाउ ये उसका बुक्स की तो जवाब लाइब्रेरी जवाब सर। देता हूँ, हाँ सर बिल्कुल जवाब देता हूँ सिंपल भाई। आपको तो मैंने ही नहीं कहा कि ये किताबें या जो मुफ्ती साहब के पीछे हैं वो सारी आप पढ़ें इस्लाम में दाखिल होने के लिए। आपने मुसलमान बनना है, सादी बात है, अशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहद अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल, बस इसमें इस्लाम हो गया कि मैं गवाही देता हूँ अल्लाह एक है, नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम उनके गुलाम और उनके नबी हैं, बिल्कुल बात खत्म हो गई। लेकिन अब ये जो किताबें हैं या उनकी जो किताबें हैं ये तो फिर जो लोग तहकीक करना चाहें इस्लाम की और डेप्थ में जाना चाहें, जैसे एक बात है एक सादी बात है कि दुनिया हमारी है उसमें चलती है, लेकिन अब दुनिया कैसे चलती है एटमोसफेयर किस तरह होता है तब उसकी आप तहकीक पे साइंटिस्ट तरफ जाएं तो फिर उसमें तो बिल्कुल इलम होगा ना। इस्लाम एक हक दीन है तो उसमें जो तफसील है वो भी एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, अरबी जबान उसके अगर नहू सार्फ हदीस मुस्तला उसूल तफसीर, लेकिन ये मुसलमान होने के लिए तो शर्त नहीं है ना हजरत। एक मुसलमान है वो बिल्कुल ना पढ़े लेकिन वो कलमा पढ़ता है नमाज अपनी पढ़ता है रोजा रखता है अपना हक पूरा करता है वो भी जन्नत जाएगा। एक बंदा है कि वो तहकीक करना चाहे वो और फिर लोगों को सिखाना चाहे वो मसाइल सीखना चाहे तो इस्लाम बहर पूरा एक समंदर है। ठीक है तो इससे तो आपको कोई तकलीफ नहीं है, आपने मुसलमान होना है, आपको एक सादी बात है अल्लाह एक अल्लाह को आप मानते हैं सिंपल भाई। हाँ वो तो मैं मानता हूँ सर। ठीक है उस अल्लाह ने अंबिया हमें भेजे हमारी रहनुमाई के लिए ये आप मानते हैं?
लास्ट प्रॉफिट आयत, हाँ सर उनके बारे में पढ़ा, लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद आयत। ठीक है, आप मानते हैं? हाँ सर। आप मुसलमान हैं, बस कलमा के लिए आप तैयार हो जाए, आप जिधर भी आप हैं तो आपके साथ जो लोकल लोग हैं मुसलमान उनको हम कनेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि अल्लाह एक है और कोई इबादत के लायक नहीं है, कोई बुत, कोई बंदर, कोई गाँव, कोई भी अल्लाह के ना नबी ना साले ना कोई और इबादत के लायक नहीं, सिर्फ एक अल्लाह इबादत के लायक है और अंबिया जो भेजे थे आदम अलैहिस्सलाम से मोहम्मद अलैहिस्सलाम सब पे अल्लाह की मतलब सलातो सलाम हो, तो उनको आप मानते हैं, तो ये सादी बात है, इसमें कोई हेलो, कॉम्प्लिकेशन की आवाज बात आ रही नहीं है है। सर? ये किताबें पढ़ जी आ रही जी है, बिल्कुल आ रही है। हाँ सर, मेरा नेटवर्क चलेगा था। हेलो सर, कैन यू रिपीट? अच्छा जी, मैंने ये कहा कि देखें अगर आप ये बात मानते हैं, सादी बात सिंपल बात कि अल्लाह एक है, सिवाय अल्लाह किसी की इबादत का हक नहीं है, कोई ना किसी नबी की हम इबादत करते हैं, ना ईसा इब्ने मरियम की, ना किसी अउलिया की, ना किसी बुत की, ना किसी बंदर, ना किसी और किसी की इबादत नहीं, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, ये तो बात सर सादी है इंसानों ने मोहब्बत की वजह से आपने। बनाए ठीक सर। है, लेकिन ये गलत मोहब्बत है ना, हाँ क्योंकि जब जिस चीज को मना किया गया है, जैसे आपने कहा कि एक बहुत बड़ा जो कवि अल्लाह है तो उसको इंसान हाथ से कैसे बना सकता है, ये तो एक बिल्कुल आपने सादी और खूबसूरत बात की है। तो इसमें अगर आप ये मानते हैं कि एक अल्लाह है और आप ये मानते हैं कि उस अल्लाह ने अंबिया हमें भेजे आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम सबकी हम मोहब्बत करते हैं लेकिन इबादत नहीं करते, उन सबको हम मानते हैं, आप मानते हैं मोहम्मद अलैहिस्सलाम को, यस सर, तो ठीक है आप माशाल्लाह मुसलमान हैं, कलमे के लिए आप तैयार हैं। सर, कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है सर, पर जो एक्स मुस्लिम जो है, समझो अगर वो बताते कुरान में ये समझने नहीं आ रहा, ये कुछ है, तो सर उसके लिए फिर क्यों, अगर मेरे को बिल्कुल, फॉर्मूले आपको के मैं हिसाब से वो कहता हूँ, फिट बैठते हैं सर, फॉर्मूले के हिसाब से ठीक गॉड है ऑफ कॉन्सेप्ट फिट बैठता है, लेकिन पर बिल्कुल, नेक्स्ट लेवल सर। आप बात करें सिंपल भाई, मेरी बात करें, देखिए आप बात सिंपल रखें, कॉम्प्लिकेट मत करें। पहली बात यह कि आप मानते हैं कि एक अल्लाह है, आप मानते हैं कि नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम उनके आखिरी नबी थे, तो आप मुसलमान हैं। उसके आगे ये जो एक्स मुस्लिम जो ये बक 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 करते हैं ना, उन सब के जवाब हमारे पास हैं, रोजाना हमारे उनके मुनाजरे वगैरह होते रहते हैं, आप जिधर भी हो जिस मुल्क में भी हो ऑफलाइन आप मुफ्ती साहब को बताएं कि मैं इस मुल्क में हूँ इस जगह में हूँ, वो आपको किसी दाई के साथ राब्ता बना देंगे इंशाल्लाह, उसके बाद जो भी कोई इश्कालात उठें कोई एक्स मुस्लिम बात करे तो उसके जवाब हम देंगे इंशाल्लाह, फिक्र मत, ठीक है इसी काम के लिए तो सिंपल भाई आपने हम ये यहाँ बात। बैठे हैं, मेरा चैनल है, शेख साहब बिल्कुल का चैनल है, कैसर भाई का चैनल है, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं हमारी, तो हर रोज या हर दूसरे दिन स्ट्रीम होती है, आप हमसे जुड़िए, कोई भी सवाल ऐसा नहीं है कि अगर वो काबिले एतना यानी काबिले तवज्जो है और हम उसको न देते हो तो आप हमसे कहेंगे ये अहम सवाल है इसका आपने अभी तक के जवाब नहीं दिया, ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, अगर सामने वाला कोई बैठकर लेकिन बात कर रहा है महज अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए या पैसे इकट्ठा करने के लिए तो उसका जवाब, उसका कोई जवाब नहीं, वो एक नॉनसेंसिकल बात है। सर बिल्कुल, पर पूरी पूरी दुनिया इस सच को क्यों छुपा रही है सर? हाँ तो अब यही बड़ी अच्छी बात आपने की ना, देखें आप दुनिया को देखें ना तो जो दुनियादार होते हैं वो अपने मकसद निकालना चाहते हैं, अगर सारी दुनिया सूद को छोड़ दे तो ये बैंक क्या करेंगे, हाँ सारी दुनिया में इस्लाम का अदल और इंसाफ आए तो ये जो जालिम लोग हैं ये क्या करेंगे, जो अमीर को अमीर रखना चाहते हैं गरीब को गरीब रखना चाहते हैं, जो लोगों को हुकूक नहीं देना चाहते, जो दुनिया में अमन नहीं चाहते, तो ये जो लोग सियासत वाले लोग होते हैं जो दुनिया को अपनी बातों पर चलाना चाहते हैं, तो इस्लाम को बुरा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है जो लोग मुसलमान हो जाएंगे तो हमारी जो बदमाशी है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन आप इन चीजों को छोड़ें, सिंपल भाई बात सिंपल रखें, आप ये बताएं कि डू यू बेयर विट, आप ये गवाही देने के लिए तैयार हैं कि अल्लाह सिर्फ एक है, यस सर, अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं है, ठीक यस सर, है आप ये गवाही देते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के आखिरी नबी हक नबी हैं, यस सर, ये तो आपने इस्लाम कबूल किया है, ठीक है अभी वेलकम। अभी अरबी अभी हम अरबी में करेंगे, आप मेरे साथ अरबी में पढ़ें, ठीक है मैं पढ़ूंगा आप मेरे साथ साथ पढ़ें, ठीक है जो आपने उर्दू में कहा है अभी वो अरबी में करेंगे, ठीक है तैयार हाँ हैं सर जरा। अच्छा, सर अशहदु थोड़ी अल्ला, सर मेरे ख्याल सर उन्होंने सॉरी, सुना नहीं, दोबारा रिपीट कर दीजिए, अशहदु अश हदू
अन 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 ला अन ला ला इलाहा 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 इल्लल्लाह इल इल्लल्लाह। शाबाश, बहुत खूबसूरत। वो अशहदु व अश हदु अन्न अन्न मुहम्मद मुहम मुहम्मद मुहम मुहम्मद अब्दुहु अब्दुहु वरसूलु वरसूलु। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप ऐसे करें, ऑफलाइन अगर आप अपनी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन आप मुफ्ती साहब को भेजें, हमारे पास भी टीम है, आपके पास भी होगी इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है, जो आपका तराबता रखेंगे। नमाज का तरीका जो है उस पर हमने वीडियोज बनाई है, नए मुसलमान जैसे आप हैं उनके लिए इंग्लिश में है, लेकिन खैर उर्दू में भी इंशाल्लाह पैदा कर सकते हैं। तो उसमें जो सही इस्लामी अकीदा है और सही नमाज और वजू का तरीका है वो आप सीखें आराम आराम से। लेकिन ये बात समझें, आज जो आपने किया है ये आपकी जिंदगी के मुहिम काम है। आपने अपने रब सुभाना व तआला को पहचाना है, उसकी गवाही दी है, आज आप एक नए बंदे हैं, पूरे आपके पुराने गुनाह पूरे जो भी पुराना होना वो सब खत्म हो गया। ठीक है, जो जिंदगी का अहम इम्तिहान था आज आपने पास किया है, अल्लाह आपको इस्तकामत नसीब फरमाए और हमें भी, ताकि हम दीन पे हक पे चल सकें। अल्लाह कबूल फरमाए हम सब से। ठीक है सर, अच्छा, घर वाले ठीक है। आप एक काम ये कीजिएगा कि मेरा ईमेल आप ले लें, ask mufti ynw ask mufti mufti ynw @gmail.com। सर आप प्राइवेट चैट में डाल सकते हैं? मैं प्राइवेट चैट में डाल देता हूं और आप मुझसे राबता कर लें इंशाल्लाह, कोई आपको हेल्प चाहिए तो हम आपको देंगे इंशाल्लाह ताला, मैं डाल रहा हूं प्राइवेट चैट। सर घर वाले को कैसा, पहले इंशाल्लाह आप मुझसे राबता कर लें, इस पर भी बात करेंगे। सर मैं वही कहना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एकदम परफेक्ट सर, लेकिन मेरा ये सवाल है सर, फाइनल मोमेंट कब रहेंगे सर, मतलब लोगों को कब हक हाँ लोगों को सच कब मालूम पड़ेगा सर, फाइनल मोमेंट कब सर? बिल्कुल हजरत, देखें अभी जो आपकी जिंदगी का फाइनल मोमेंट था अभी आ गया, आपको हक सामने आ गया, इस तरह रोजाना लोगों को हक सामने आ रहा है, और जिसके सामने ना हो मौत के वक्त उनके सामने आ जाएगा, और क्यामत का दिन भी आएगा, लेकिन कब आएगा ये सिर्फ अल्लाह को पता है। फिक्र मत करें, दुनिया में हर एक घर में ये दीन पहुंचेगा, जैसे आज अल्लाह ने आपको हिदायत नसीब फरमाई है, इस तरह रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह लोग इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। आप ये सारी चीजें छोड़ें, आप अब सिर्फ ये शुक्र करें, पहले जाके सजदा करें, सर जमीन पे रखें, अल्लाह का शुक्र करें कि अल्लाह ने आपको हिदायत दी है। पूरी दुनिया में जो लोग दुनिया में पैसों में शराबों में गुमराह हैं, अल्लाह ने आपको उन सब से निकाल के इधर अपने दीन की तरफ लाया है, ये पहली बड़ी बात है। उसके बाद आप अब अपनी जिंदगी का मकसद ये बनाएं कि मैं और लोगों तक ये हक पहुंचाऊं। बस और मुनाजरे मत करें, बस जो लोग सुनना चाहें उनको उन तक ये पैगाम पहुंचाएं कि देखें अल्लाह एक है। आपकी वीडियो दिखा सकते हैं सर? सल्लम बिल्कुल हजरत, हमारी वन मैसेज फाउंडेशन चैनल है और हम की पैसे नहीं लेते, ये जो मैं यहाँ बैठा हूँ मैं आपको वाजे कहता हूँ कि हम अल्हम्दुलिल्लाह वन मैसेज फाउंडेशन की तरफ से या मेरी मस्जिद मस्जिद रिबात की तरफ से एक पैसा भी नहीं लेता, ये सारा हम फी सबिल्लाह करते हैं। मैं अपनी नौकरी करता हूँ, पैसे बनाता हूँ, ये सिर्फ अल्लाह के लिए हम कर रहे हैं। तो वन मैसेज फाउंडेशन उर्दू हिंदी में भी चैनल है, वो आप देखें। मस्जिद रिबात हमारे मस्जिद का चैनल है, अगर आप सीरत नबी पे हमारा दर्स है बिल्कुल मुफ्त है, कोई साइन अप की जरूरत नहीं है, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसे आप सीखें और लोगों को सिखाएं। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे 6 या 7 महीने मैंने एक वीडियो देखा था जो आपके स्कॉलर है आई थिंक सो जाकिर नायक सर, उसमें साइंस और कुरान में जो वो रखे उन्होंने प्रूफ, तो उसके वजह से मुझे क्लिक होता गया, तो मैं थोड़ा रिसर्च करते गया सर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अल्लाह उनसे भी कबूल फरमाए और हमसे भी कबूल फरमाए, और अल्लाह आपको और हमको और उनको सबको दीन की हक रास्ते पे इस्तकामत नसीब फरमाए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सिंपल, ठीक है इंशाल्लाह। मैंने प्राइवेट चैट में एक गुजारिश है सर, सिर्फ आप जितने भी समझो
नॉन मुस्लिम हो या फिर कुछ अगर गलत बता रहे हो कि आप उनके सामने डिबेट कर सकते हैं सर, जो हम तो ऑनलाइन यहाँ है। इसी काम के लिए, हम इसी काम के लिए बैठे हैं। हम हमारे दरवाजे खुले हैं, कोई भी आए हमसे डिबेट करे। अभी आपसे पहले एक साहब आए हुए थे, वो नॉन मुस्लिम थे, वो बाकायदा डिबेट ही कर रहे थे। अब आप उसको फॉर्मल डिबेट का नाम दे या ना दे, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन आंसर हो रहा था ओपनली। आपके बाद भी गैर मुस्लिम आएंगे, आप देखते रहिए, हम यहाँ इसी काम के लिए बैठे हैं।